अगस्त का महीना अपने दामन में बहुत कुछ समेटे हुए है। दुनिया ने अगस्त में कई मुल्कों के रिश्तों की खटास को भी महसूस किया है। कई मुल्कों की आज़ादी का गवाह बना है और कई मुल्कों की दोस्ती की इबारत को लिखा। नमस्कार, मैं हूँ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं तारीख। 9 अगस्त की तारीख में भारत रूस के संबंधों के पन्ने पलटेंगे, साथ ही काकोरी को करेंगे याद। देश दुनिया के इतिहास में 9 अगस्त की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को जानने के लिए शुरू करते हैं आज की तारीख। 1683 एक आदेश के जरिए ब्रिटिश राजशाही ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में युद्ध अथवा शांति की घोषणा का अधिकार दिया। 1788 में गुलाम कादरी ने दिल्ली के सुल्तान शाह आलम द्वितीय की आँख में अपना खंजर घोप कर उसे अंधा कर दिया। 1831 को अमेरिका में पहली बार स्टीम इंजन ट्रेन चली। 1892 में थॉमस एल्वा एडिशन ने टू वे टेलीग्राफ का पेटेंट कराया। 1925 में क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन लूट ली। क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था। 1942 में महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया। सन 1945 को ही अमेरिका ने जापान की नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया। 1990 में देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और गुमनाम नायक त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती का निधन हुआ। उन्होंने अपने जीवन के 30 वर्ष जेल में गुजारे। वह संभवतः सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। 1971 में भारत रूस मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। सन 1999 में रूस के राष्ट्रपति बोरिस यल्त्सिन ने प्रधानमंत्री सर्जेई स्टेपशिन को बर्खास्त कर खुफिया सेवा के प्रमुख व्लादिमीर पुतिन को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया। साल 2005 में नासा का मानवयुक्त अंतरिक्ष यान डिस्कवरी 14 दिन की अपनी साहसिक और जोखिम भरी यात्रा के बाद कैलिफोर्निया स्थित एयरबेस पर सकुशल वापस लौटा। तो ये था 9 अगस्त का इतिहास। 10 अगस्त का इतिहास जानने के लिए हमारे चैनल सनराइज़ न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।